यह यात्री एक द्वारा ली गई प्रसिद्ध हल्के नीले डॉट छवि है, जो हमारी पृथ्वी को 6 अरब किलोमीटर दूर एक छोटे पिक्सेल के रूप में दिखाती है। यह छवि आप में से कई के पैदा होने से पहले ली गई थी, लेकिन जो तत्व और सामग्री हमें बनाती हैं, वे सभी उस छोटे से नीले बिंदु में निहित हैं, जिसे हम घर कहते हैं। लेकिन यह तारीख महत्वपूर्ण है। तब से यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में सबसे दूर मानव बनाया गया वस्तु बन गया है। अब पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर है। क्यों कैमरे बंद किए गए और उन्हें वापस चालू करने के लिए क्या होगा? इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि वायजर 1 पर कैमरे वास्तव में कैसे काम करते हैं और वे क्या देख सकते हैं अगर वे वापस चालू होते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के अंत में हम इस अद्भुत अंतरिक्ष शटल लेगो सेट का एक उपहार करेंगे, इसलिए आसपास रहें और देखें कि आप कैसे जीत सकते हैं। यात्री अंतरिक्ष जांच ने अंतरिक्ष में अपने समय के दौरान इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। न केवल वे अंतरिक्ष में सबसे दूर की वस्तुएं हैं, बल्कि वे 45 वर्षों से अधिक समय तक काम कर रहे हैं। यह सोचना अविश्वसनीय है कि अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में बिताए गए सभी समय के बाद 70 के दशक में यहां पृथ्वी पर डिजाइन किए गए कंप्यूटर और सिस्टम अभी भी काम कर रहे हैं। वायजर 1 तकनीक से भरा था जो अपने समय से बहुत आगे था, और इसका एक सही उदाहरण कैमरा प्रणाली है। वायजर 1 में बोर्ड पर 2 विडिकॉन कैमरे हैं, जो अनिवार्य रूप से एनालॉग से डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए बहुत शुरुआती टेलीविजन कैमरे हैं। उनके पास 800x800 पिक्सल का प्रभावी रेजोल्यूशन था और ग्रे स्केल में 8-बिट छवियां कैप्चर की गईं। एक में ग्रहों को पूरी तरह से कैप्चर करने के लिए एक चौड़ा कोण लेंस था, क्योंकि जांच करीब से गुजरती थी। दूसरे में एक संकीर्ण कोण लेंस था और वह प्रत्येक ग्रह के छोटे विवरण को पकड़ सकता था जिसे उसने देखा था, और निश्चित रूप से हमारे सौरमंडल को देखें, क्योंकि यह क्षितिज पर छोटा और छोटा हो गया है। इन कैमरों तक प्रकाश पहुंचने से पहले यह ऑप्टिक सिस्टम से गुजरता था। यह एक फिल्टर व्हील था जिसमें बैंगनी, नीले, हरे और नारंगी फिल्टर थे। यात्री अपने प्रत्येक फिल्टर का उपयोग करके अपने विषय की कई तस्वीरें लेता था। जैसा कि प्रकाश फिल्टर से गुजरता है, यह केवल उस रंग से प्रकाश को गुजरने की अनुमति देगा और अन्य रंगों को अवशोषित किया जाएगा। छवियों को ग्रे स्केल में लिया जाता था, लेकिन प्रत्येक में चमक की अलग अलग मात्रा होती थी। छवियों को पृथ्वी पर भेजने के बाद उन्हें रंगों से संतृप्त कर संयुक्त किया जाता है। मानव आंख अनिवार्य रूप से इस तरह काम करती है, क्योंकि हमारी आंखों में 3 रंग संवेदक शंकु, लाल, हरा और नीला है, जो हमें रंगों की एक श्रृंखला के साथ दृष्टि देने के लिए संयुक्त हैं। लेकिन वायजर 1 के साथ असली जादू विडकॉन ट्यूब के अंदर होता है। लेंस और फिल्टर व्हील से गुजरने के बाद प्रकाश विडकॉन ट्यूब में प्रवेश करता है। फोटोन की पहली चीज 10 ऑक्साइड की परत से बनी एक चेहरे प्लेट के माध्यम से देखी जाती है, जिसके पीछे एक फोटो कंडक्टिव टारगेट प्लेट है। फोटोन की टक्कर से मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं। प्रकाश तीव्रता जितनी अधिक, उतने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तब फेस प्लेट पर आकर्षित होते हैं, लक्ष्य प्लेट पर अंतराल छोड़ देते हैं। इसके बाद ट्यूब के पीछे एक कैथोड छवि को स्कैन करने के लिए लक्ष्य प्लेट की ओर इलेक्ट्रॉनों को फायर करता है। ये इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा बनाते हैं। इस सिग्नल में डेटा होता है और इसे पृथ्वी पर प्रेषित किया जा सकता है, लेकिन अरबों किलोमीटर दूर से डेटा प्रसारित करना बहुत मुश्किल है और कई चीजें गलत हो सकती हैं। हमने देखा है कि कैसे यात्री के कैमरे प्रकाश को सिग्नल में बदलते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? प्रत्येक छवि लगभग 5 मिलियन बिट्स जानकारी लेती थी, जो आधे MB से अधिक होती थी। ये आज के मानकों से बहुत कुछ नहीं लगता है, लेकिन जब आपका अंतरिक्ष यान अरबों किलोमीटर दूर है, तो उस डेटा को वापस भेजना बेहद मुश्किल है। उस दिन में जब वायजर 1 बहुत करीब था, इसकी अधिकतम डेटा दर लगभग 115,000 बिट्स प्रति सेकंड थी। इस दर से पूरी छवि को पृथ्वी पर वापस भेजने में लगभग 43 सेकंड लगेंगे। अब डेटा दर केवल 160 बिट्स प्रति सेकंड है, जिसका अर्थ है कि एक छवि को ट्रांसमिट करने में 8 घंटे से अधिक समय लगेगा। इसके ऊपर वायजर 1 अब 23 बिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए सिग्नल वास्तव में हमें पहुंचने में 21 घंटे लगेंगे, क्योंकि कैमरा डेटा को संचारित करने से बहुत तेजी से एक छवि उत्पन्न कर सकता है। विडकॉन कैमरा से सिग्नल चुंबकीय टेप पर संग्रहित किया जाता है। जब यात्री को पृथ्वी से बेहतर संचार मिलता है, तभी डेटा प्रेषित हो सकता है। लेकिन 30 साल से अधिक समय में वायजर का कैमरा चालू क्यों नहीं हुआ है?
वाइजर वेग ने अंतिम फोटो कहां ली थी, इसे जानने के लिए हमें उसकी स्थिति को देखना होगा। प्रसिद्ध हल्के नीले डॉट की छवि पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक बिंदु से ली गई थी। इस समय अंतरिक्ष यान इतना दूर था कि सब कुछ एक छोटे बिंदु के रूप में दिखाई दिया। अंतरिक्ष यान एक ऐसे रास्ते पर भी चल रहा था जो अंततः इसे सौर मंडल छोड़ने और अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन जाएगा। इसलिए यह जानने के लिए कि यह कब हुआ, टीम उन उपकरणों को प्राथमिकता देना चाहती थी जो इंटरस्टेलर प्लाज्मा का पता लगाएंगे। एक संकेत है कि यात्री एक ने हमारे सौर मंडल को छोड़ दिया था, लेकिन इस समय वायजर एक पहले से ही 13 साल का था और इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचने से पहले अभी भी दशकों बाकी थे। इसलिए उस बिंदु पर अंतरिक्ष यान के साथ अभी भी बात करने के लिए इंजीनियरों को इसके जीवन काल को काफी बढ़ाने की आवश्यकता थी। यात्री एक RTG द्वारा संचालित किया जाता है जो रेडियोधर्मी सामग्री से गर्मी लेकर बिजली बनाता है। हर साल बिजली उत्पादन लगभग 4 वाट से कम हो जाता है और अब वायजर एक अपने प्रारंभिक बिजली उत्पादन का केवल 34% उत्पादन कर रहा है। कैमरा सिस्टम अकेले 40 वाट से अधिक बिजली का उपयोग करता है और इसलिए अंतरिक्ष यान को अधिक समय खरीदने के लिए टीम ने अपनी बिजली की खपत को कम करने के लिए बोर्ड वॉयजर पर विभिन्न उपकरणों को बंद करना शुरू किया। मेमोरी बचाने के लिए टीम ने बोर्ड वॉयजर पर सॉफ्टवेयर को भी हटा दिया जो कैमरा संचालित करने के लिए जिम्मेदार था। पृथ्वी पर जो कैमरे और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए गए थे वे छवियों का विश्लेषण करने के लिए अब मौजूद नहीं है और कैमरे और उनके हीटर कई दशकों तक बाहरी अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों के संपर्क में आने के कारण यह संभावना है कि वे अब काम करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन यह मानते हुए कि कैमरे अभी भी अच्छी स्थिति में हैं, अगर वे वापस चालू किए जाते हैं तो वे क्या देखेंगे? कुछ लोग सोचते हैं कि यात्री एक सूर्य से बहुत दूर है कि अंधेरे में होगा, यह सही नहीं है। अब 23 अरब किलोमीटर दूर होने के बावजूद सूर्य की प्रकाश अभी भी पृथ्वी पर चांदनी की तुलना में 16 गुना अधिक चमकदार है। हालांकि कैमरे पर कैप्चर करने के लिए यात्री के आसपास कुछ भी दिलचस्प या बड़ा नहीं है। यदि आज यात्री ने एक तस्वीर ली तो यह अंधेरा होगा, लेकिन आप अभी भी सूर्य और कुछ ग्रहों को छोटे बेहोश पिक्सेल के रूप में देखेंगे। शायद सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि 23 अरब किलोमीटर की यात्रा के बावजूद हमारे आकाश में तारे नक्षत्र बिल्कुल वैसा ही दिखेंगे। यदि यात्री एक अलग आकाशगंगा परिप्रेक्ष्य देखना चाहता है, हजारों प्रकाश वर्ष की यात्रा करनी होगी। यात्री एक अंततः इसे प्राप्त करेगा, हमारे चले जाने के लाखों साल बाद और अंतरिक्ष जांच के साथ संपर्क खो जाने के लंबे समय बाद।